हैक्टिक uh, जो चीज होती है जैसे मॉर्निंग में उठते से ही हमें मिल जाती है वो क्या होती है वो है हमारा अलार्म क्लॉक अलार्म क्लॉक का जो साउंड होता है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंच जाता है कैसे कोई गाड़ी की आवाज गाड़ी की रुकते ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पापा की गाड़ी है या ये हमारे भाई की गाड़ी है कैसे मम्मी को पता चल जाता है कि हमने एक कांच का ग्लास गिरा दिया है और कैसे हमें बैल की आवाज़ सुनाई दी जाती है जो हमारे घर की बेल होती है कोई भी पर्सन अगर आता है हमारे घर पे और वो अगर बेल बजाता है तो हमें सुनाई दी जाता है और हम गेट ओपन कर देते हैं ऐसा क्यों होता है किस वजह से सुनाई दे गया ये हमें ऐसा तो नहीं था ना कि बीच में कोई पात लगा था कि बेल से लेके हमारे कान तक कोई पात लगा है जिसकी वजह से कोई आया होगा चल के और वो हमें बोल के चला गया कि ऐसा कुछ है बेल बजी है या कोई ग्लास गिरा है या कुछ भी कोई भी साउंड है ये वाला तो कौन बता के गया ये कहीं कोई ना कोई तो होना चाहिए था ना अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ हमारा अलार्म क्लॉक रखा है यहाँ हम अगर सो रहे हमारा कान है इसके बीच में यहाँ तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना बिल्कुल नहीं आ रहा तब क्या था बीच में तो वहाँ पर था एक एटमोसफियर क्या था वहाँ पर एक एटमोसफियर था एटमोसफियर का मतलब क्या हुआ हवा थी वहां पर चलिए अब होता क्या है किस तरह से ये साउंड जो है प्रोपिगेट करता है देखो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि साउंड हमारे कानों तक तो कैसे पहुंचा इसे हम कहेंगे प्रोपिगेशन ऑफ साउंड मतलब साउंड हमारे कानों तक तो पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कि साउंड जो है वो प्रोपिगेट कैसे हो गया साउंड प्रॉपिगेट कैसे हुआ है तो साउंड के प्रोपिगेट होने में होता क्या है बेसिकली तो बीच के अंदर हमें क्या नजर आया हवा के अलावा तो कुछ नजर नहीं आया कोई बात नहीं हवा भी नजर नहीं आई हमने फील किया कि हाँ ठीक है जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होती है हवा होती है तो अलार्म क्लॉक और हमारे बीच में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है दैट मीन्स हम मान लेते हैं कि हवा है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जैसे ही जो साउंड जनरेशन है अब चाहे वो आपका अलार्म क्लॉक है चाहे वो कोई और ऑब्जेक्ट है चाहे वो स्पीकर है चाहे टीवी है चाहे बोलने वाला पर्सन ही क्यों नहीं है इवन अगर मैं भी हूँ तो मेरा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट हो रहा है तो मेरी आवाज़ को तो मैंने जनरेट कर दिया तो मैं क्या हो गई साउंड जनरेशन हो गई तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है जो कि साउंड जनरेट कर रहा है दैट इज़ साउंड जनरेशन सॉरी साउंड जनरेटर सो सॉरी जो साउंड को जनरेट कर रहा है वो कौन होगा साउंड जनरेटर होगा तो इस साउंड जनरेटर ने क्या कर दिया साउंड जनरेट कर दिया अब साउंड जनरेशन से लेकर हमारे कानों तक तो पहुंचने का ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड फाइन अब साउंड जनरेटर ने तो क्या कर दिया एक साउंड जनरेट कर दिया चाहे हमने बोला है चाहे हमारे टीवी ने बोला चाहे हमारे रेडियो ने कुछ बोला चाहे हमने कुछ गिराया कुछ उठाया कुछ रखा जो भी था साउंड तो जनरेट हो गया अब जब साउंड जनरेट हो चुका है तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखिएगा तो बीच में क्या है ओनली एयर है और एयर के क्या है पार्टिकल्स है यहाँ पर क्या है ओनली एयर पार्टिकल्स है और कुछ भी नहीं है बीच के अंदर तो होगा क्या ये एयर पार्टिकल्स ही जो है ये सोचेंगे चलो यार कोई बात नहीं अब और तो कोई है नहीं तो हम ही ये काम कर देते हैं यहाँ से आवाज़ लेते हैं वहाँ देकर आ जाते हैं तो क्या ये एयर पार्टिकल्स मूव करेंगे वहाँ तक बिल्कुल नहीं अगर ऐसा होता कि एयर पार्टिकल यहाँ से जो है साउंड को लेगा वहाँ तक जाके देख के आएगा तो सोचो एयर पार्टिकल्स कितना मूवमेंट कर रहे होते हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए सब जगह पे भाग रहे होते क्या बिल्कुल नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा क्या कि हमने क्या पढ़ा था साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो साउंड अगर एनर्जी का फॉर्म है तो वो एनर्जी किसको मिल जाएगी अभी फर्स्ट सेट को मिल जाएगी फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे यहाँ पर जो सबसे पहले जो पार्टिकल्स होंगे उनको क्या मिल जाएगी वो एनर्जी मिल जाएगी साउंड एनर्जी जो होगी वो एनर्जी फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स को मिल जाएगी जो भी एयर का फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल होगा लाइक like अगर मैंने बोला है तो यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे पहले जो एयर पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स उसके बाद के जो होंगे वो सेकेंड सेट ऑफ यहाँ पे आप जैसे यहाँ आ जाओ सेकेंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स हो जाएंगे देन हो जाएंगे थर्ड सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स देन फोर्थ सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स फाइन तो सबसे पहले जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी मिलेगी किसको फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स को फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स को वो एनर्जी मिल जाएगी तो उस एनर्जी के मिलते ही क्या होगा उस एनर्जी के मिलते ही जो एयर पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करने लगेंगे दैट मीन्स कि उनके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी उन एयर पार्टिकल्स में कौन सी एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी आएगी तो एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे मूवमेंट करने लगेंगे मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेंगे वो कहीं ऊपर नीचे इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे वो जस्ट क्या करेंगे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे मतलब वाइब्रेट होने लग जाएंगे एज आई टोल्ड यू कि साउंड हमेशा किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से होता है तो वाइब्रेशन की वजह से ही क्या होगा आगे भी हमारा साउंड जो है वो प्रॉपिगेट करेगा ओनली विद द वाइब्रेशन उसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से ही क्या हो जाएगा ये अपने एनर्जीज़ को ट्रांसफर करेंगे और साउंड को है जो अपने टारगेट एरिया तक पहुंचा देंगे अब एयर पार्टिकल्स जो थे फर्स्ट सेट ऑफ जो एयर पार्टिकल्स है यहाँ से अगर आवाज़ आई है तो यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है इसके जस्ट पास के उनके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी आई है तो एयर पार्टिकल्स के अंदर देखो कौन सी एनर्जी आई है काइनेटिक एनर्जी आई है अभी फाइन तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा ये टू एंड फ्रो मोशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो टू एंड प्रो मोशन करेंगे आगे जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे अब क्या होगा इन्होंने क्या किया जब ये आगे गए सपोज ये यहाँ पर थे यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुआ फाइन यहाँ के एयर पार्टिकल्स थे जब ये आगे की तरफ गए तो इसके पास भी तो एयर पार्टिकल्स थे सेकेंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे उससे टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगा एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे फाइन एनर्जी को क्या किया ट्रांसफ़र कर दिया अब क्या होगा वापस अपनी पोजिशन पे आ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर क्या हुआ आगे वाले जो सेट ऑफ सेकेंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स जो थे वो टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएंगे तो वो पार्टिकल भी क्या करेंगे आगे की तरफ जाएंगे जो नेक्स्ट एयर पार्टिकल्स होंगे उनको वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे कि भाई कोई बात नहीं तुम्हारे पास नहीं है मैं दे देता तो, हूँ क्या फ़र्क पड़ता है तो उन्होंने भी क्या किया अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया आफ्टर दैट आफ्टर दैट क्या होगा कि वो जो एयर पार्टिकल्स है वो फिर से अपनी पोजिशन से थोड़ा पीछे ही आ जाएंगे भाई टू एंड फ्रो मोशन में अपनी मेन पोजिशन पर तो आते हैं बाद में उससे पहले क्या होता है थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता है तो देखो यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स जो है अगर हम बात करें यहाँ पर चलो यहाँ ले लेते हैं फर्स्ट सेट ऑफ़ एयर पार्टिकल्स जो है उनको क्या करेंगे इनके अंदर आगे कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ये क्या करेंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे उसके बाद क्या, क्या किया इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया किसमें सेकेंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स में भाई यहां से हमारी क्या निकली है साउंड निकली है इस साउंड ने क्या किया साउंड एनर्जी ने क्या किया इनको दे दी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स को अब क्या होगा ये जो एयर पार्टिकल्स है ये आगे जाएंगे पीछे आ जाएंगे फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे आगे जाते जाते इनसे टकरा जाएंगे इनसे टकराते ही क्या होगा काइनेटिक एनर्जी को इनको दे, दे देंगे यहाँ ट्रांसफर हो गई काइनेटिक एनर्जी देन आ जाओ थर्ड सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स ये थर्ड सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स है ये फिर आगे पीछे आगे पीछे मूवमेंट करेंगे उस मूवमेंट की वजह से ये सारे पार्टिकल्स इससे टकरा जाएंगे और जैसे ही ये सारे पार्टिकल्स इन थर्ड सेट ऑफ एयर पार्टिकल्स से टकराएंगे तो ये यहाँ पर भी क्या कर देंगे काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे फाइन काइनेटिक एनर्जी इन्होंने ट्रांसफर कर दी अब इसी तरह से क्या होगा आगे से आगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती चली जाएगी और कहा तक आ जाएगी हमारे कानों तक पहुंच जाएगी अब एक और चीज ये तो चलो ठीक है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई अगर पास में खड़ा है पर्सन तो उसको तो वो आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देती है लेकिन जैसे ही हम चले जाते हैं थोड़ा सा दूर वहाँ हमें वो आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देती अगर सपोज दो पर्सन है दो बच्चे हैं ठीक है चलिए इनको हटा देते हैं हम हमें पता चल गया अब तो कि एयर पार्टिकल्स जो है उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है अब क्या हुआ साउंड जो जनरेटर था वो यहाँ पर है एक बच्चा जो है वो यहाँ खड़ा है एक बच्चा जो है वो यहाँ है अब होगा क्या इसके पास जो साउंड एनर्जी आएगी जो साउंड आएगा इसके पास में वो बिल्कुल क्लियर साउंड होगा इसके पास जो साउंड आएगा वो कैसा आएगा क्लियर साउंड आएगा इसके पास जो आएगा वो इतना क्लियर नहीं होगा वो थोड़ा सा आधा अधूरा सुनाई देगा उसको अच्छे से सुनाई भी नहीं देगा क्लियर सुनाई नहीं देगा या बहुत धीरे सुनाई देगा क्यों हुआ ऐसा ऐसा इसलिए हुआ कि साउंड जनरेटर ने जब साउंड को प्रोड्यूस किया तो यहाँ जो एयर पार्टिकल्स थे इनके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई ये आगे जाके वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किसको करके आए सेकेंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल को लेकिन इस ट्रांसफ़र के टाइम पे क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है कुछ अमाउंट ऑफ़ एनर्जी एनवायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाती है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी जो थी वो रिलीज हो गई फिर और आगे आए यहाँ तक आए तो यहाँ तक आए तो क्या हो गया कुछ और एनर्जी रिलीज हो गई लेकिन इस पर्सन को तो सुनाई दे गया कि उसने क्या बोला है फाइन अब क्या होगा जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई यहाँ पर रिलीज हो गई उसके बाद सारी एनर्जी किसको मिली एक बार इसको सुनाई देगी सारा साउंड जो था क्लियरली इसको सुनाई दे गया और आगे आएंगे तो यहाँ पर फिर जब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तब क्या होगा इस ट्रांसफर के टाइम पर यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एनवायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाती है और एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होने की वजह से यहां देखो दो बार रिलीज़ हुई थी यहां तक जब आएंगे इस बच्चे के पास में तब तक क्या होगा फोर टाइम एनर्जी रिलीज़ होगी दैट मीन्स कि यहाँ पर साउंड एनर्जी जो है वो कम हो चुकी है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब कि इस बच्चे को इतना क्लियर नहीं सुनाई देगा जितना कि उसको सुनाई दे रहा है फाइन आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है अब आपको ये भी पता है कि एयर पार्टिकल्स खुद साउंड को लेकर आगे नहीं जाते वो जस्ट क्या करते हैं साउंड को साउंड की एनर्जी को लेते हैं अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वही काइनेटिक एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर करते जाते हैं ऐसा नहीं कि खुद जाके दे के आएंगे बिल्कुल नहीं एयर पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं एयर पार्टिकल्स थोड़ा सा बस टू एंड फ्रो मोशन होता है उनका वाइब्रेशन होता है उसके अलावा उसके लास्ट के अंदर क्या होता है वह फिर से वो अपनी मेन पोजीशन पर आ जाते हैं मतलब एयर आगे नहीं जा रही है ओनली क्या जा रहा है काइनेटिक एनर्जी आगे जा रही है जो साउंड एनर्जी थी वो आगे ये सारे क्या कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उस साउंड को लेकर जा रहे हैं तो सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे आगे से आगे आगे से आगे क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे फाइन इस ट्रांसफर की वजह से क्या हो जाएगा हमें साउंड सुनाई दे जाएगा हमें बहुत क्लियरली साउंड सुनाई देगा फाइन वन मोर थिंग कि यहाँ जो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है Uh, कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल पास में है फिर कुछ दूर है फिर पास में फिर दूर है फिर पास में फिर दूर है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने कहा था कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और ये क्या करेंगे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे टू एंड फ्रो मोशन में पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि एक साथ में इधर जाते हैं एक साथ में इधर आते हैं जब ये एक साथ इस तरफ मूव करेंगे जब ये एक साथ इस तरफ मूव करेंगे तब क्या होगा तब जो पहले का जो एयर सेट है पहले के जो एयर पार्टिकल्स का सेट है वो प्रेजेंट है और उसके पास ये एक और सेट आ गया इसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ का जो रीजन है ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ का जो रीज़न है वो इस तरह से बन गया थोड़ा सा पार्टिकल्स जो थे वो कन पास पास आ गए डेंस हो गया ये यहाँ देखा तो थोड़ा सा ये डेंस नहीं है अब ये क्यों नहीं है बिकॉज यहाँ के सारे पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर दूर हो चुके हैं आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई देखो अब तक हमें ये हमने ये सीख लिया कि जो हमारा साउंड होता है वो प्रोपिगेट क्यों होता है कैसे होता है तो एयर की वजह से होता है एयर पार्टिकल के टू एंड फ्रो मोशन की वजह से होता है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो साउंड एनर्जी को लेकर जाते हैं लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं होते अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं वो क्या करेंगे जस्ट वाइब्रेशन होगा टू एंड फ्रो मोशन होगा काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे और अपनी जगह पे आके फिर से खड़े हो जाएंगे और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है ट्रांसफ़र होता है आई होप कि इतना क्लियर है कि साउंड जो है वो प्रोपिगेट कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है भले ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए अब साउंड जो प्रोपिगेट हो रहा है अभी हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होगा जब वो पार्टिकल्स इस तरफ आ रहे हैं इसका मतलब ये रीजन कैसा बन गया थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गया बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स एकदम पास पास में आ गए यहाँ थोड़ा गैप में है तो ठीक है यहाँ थोड़ा सा फ्री है फिर यहाँ और देख लो यहाँ फिर क्या हो गया जैसे ही वो वाइब्रेशन होगा उसकी वजह से ही फिर पास में आ जाएंगे फिर आगे जाओगे थोड़ा सा तो फिर ये दूर दूर मिलेंगे आपको इन रीजन को क्या कहते हैं तो इन रीजन को कहते हैं देखो जो जहाँ पर पार्टिकल्स पास पास में है बिल्कुल जहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में है वहाँ उनको क्या कहेंगे हम उस रीजन को हम कहेंगे कंप्रेशन उस रीजन को हम क्या कहेंगे कंप्रेशन कहेंगे और जहां पर ये पार्टिकल्स दूर दूर है उस रीजन को हम क्या कह देंगे इस रीजन को हम कह देंगे रेयर फ्रैक्शन इस रीजन को हम कह देते हैं रियर फ्रैक्शन लेकिन जहां पर पार्टिकल्स पास पास में है उसे हम कहेंगे कंप्रेशन अब एक बार हम थ्योरिटिकली देख लेते हैं किस तरह से साउंड को प्रोपिगेट करना है देखो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट्स वा, के वाइब्रेट होने की वजह से दट मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम जिसकी वजह से साउंड का ट्रांसमिशन होता है साउंड का प्रोपिगेशन होता है उसे हम क्या कह देते हैं मीडियम कहते हैं तो एयर इज़ अ मीडियम क्यों क्यों है एयर मीडियम बिकॉज एयर क्या कर रहा है ट्रांसमिट कर रहा है मतलब यहाँ पर साउंड साउंड का जनरेटर है यहाँ पे है लिसनर तो ये क्या करेगा जो एयर है वो क्या कर रही है इट इज़ अ काइंड ऑफ पाथवे जो साउंड को रास्ता देने का काम करेगी या साउंड को लेकर जाने का काम करेगी तो विच साउंड इज़ ट्रांसमिटेड जिसकी वजह से साउंड को ट्रांसमिट किया जाता है उसे हम कहते हैं मीडियम तो अभी हमने कहा कि मोस्ट ऑफ़ द साउंड जो होता है वो एयर की वजह से ट्रांसमिट होता है एयर पार्टिकल्स की वजह से ही ट्रांसमिट होता है इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको एयर को क्या कहेंगे मीडियम कहेंगे इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम जहां पर क्या होता है साउंड को ट्रांसफर किया जाता है साउंड का ट्रांसमिशन किया जाता है जिसकी वजह से चलिए इट कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर साउंड कहाँ से कहाँ तक मूव करता है पॉइंट ऑफ जनरेशन से मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से लेकर जो लिसनर है जो सुनने वाला है वहाँ तक ये साउंड जो है वो ट्रैवल करता है अब होता ये है कि कुछ डिस्टेंस पर अगर आप चले जाओ सपोज एक एरिया है जिसमें कुछ डिस्टेंस पर कोई भी नहीं है तो किसी को आवाज़ नहीं आती है उससे थोड़ा दूर खड़े हैं तो किसी को आवाज़ नहीं आती क्यों नहीं आती है, है? फ़ोन ले लो अपना कई बार होता है कि हम फोन अंदर रख के भूल जाते हैं रूम के अंदर और बाहर अपना काम कर रहे होते हैं तो हमें उस फ़ोन की रिंग सुनाई नहीं देती है क्यों नहीं दिया वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो साथ ही साथ क्या होता है उसके ट्रांसफ़र के साथ साथ में वो कुछ एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि रिलीज़ हो जाती है और उसी की वजह से क्या होता है अब जब कुछ एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है इसका मतलब क्या होगा धीरे 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 जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा एयर पार्टिकल्स में उतना ही ज़्यादा क्या होगा एनर्जी रिलीज हो जाएगी और एट लास्ट में क्या हो जाएगा एनर्जी जो है वहां पर उन पार्टिकल्स के पास में बिल्कुल भी नहीं बचेगी और जब पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं होगी तो उससे आगे साउंड जा ही नहीं पाएगा तो इसका मतलब है कि अगर हम बोलते हैं कि बहुत दूर से किसी ने कुछ बोला है तो हमें सुनाई नहीं देगा ओके दूसरी चीज़ एयर पार्टिकल्स लेकर तो आ रहे हैं हमारे एनर्जी को लेकिन अगर मैं बिल्कुल ऐसे बोलूँ कि हाँ ठीक है ये है वो है ऐसा होता है वैसे होता है क्या आपको कुछ क्लियरली समझ में आया नहीं आया अगर आप धीरे बोलते हो तो हो सकता है कि सामने वाले को सुनाई ना दे लेकिन अगर आप तेज़ बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि सामने वाले को सुनाई देगा ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि जितनी ज़्यादा एनर्जी हम एयर पार्टिकल्स को देंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होगा हमारे कानों तक पहुंच पाएगी जो इसके अंदर यहाँ देखो यहाँ पर काना तक तो पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए उतनी पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी एयर पार्टिकल्स को मिलनी चाहिए अगर इन एयर पार्टिकल्स को इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि वो यहीं पे ख़त्म हो जाए हो सकता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए तो आगे जो हमारा ईयर है जहाँ पर हम खड़े हैं हमें वो आवाज़ कैसे सुनाई देगी अगर हम बहुत धीरे बोल देंगे तो आगे वाले को सुनाई नहीं देगा लिसनेर को सुनाई ही नहीं देगा समझ ही नहीं आएगा तो हमारी हमारी बात कैसे बन पाएगी नहीं हो पाएगी इसीलिए जब भी किसी को कोई बात बोलनी होती है तो हमें कैसे बोला जाता है उसको थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं ज़ोर से मतलब चिल्ला चिल्ला के नहीं लेकिन हाँ जितनी डिस्टेंस पर वो है तो उसके अकॉर्डिंग कि ताकि उसको सुनाई दी जाए ऐसा इसलिए बिकॉज जो अगर आप बिल्कुल धीरे बोलेंगे तो एयर पार्टिकल्स ना ऐसे बैठे रहेंगे कि हाँ ठीक है थोड़ा सा झटका आया तो है झूला ऊला लगे हमें लेकिन मज़ा नहीं आया तो मज़ा नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एनर्जी उनको दोगे ही नहीं तो वो आगे क्या लेकर जाएंगे आप जितनी एनर्जी उन एयर पार्टिकल्स को दोगे उतनी ही आगे वो क्या कर देंगे आपकी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है चलिए नाउ साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स साउंड वेव जो होती है बेसिकली क्या होती है तो ये पार्टिकल uh, के मोशन की वजह से जो मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है उसे हम कहते हैं साउंड की कौन सी वेव है मैकेनिकल वेव है अब साउंड की टू साउंड जो होता है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आता है देर आर टू काइंड ऑफ वेव्स जिसके बारे में हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं बट अभी थोड़ी देर बाद में पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेव्स है उसमें साउंड कौन सा है साउंड वेव को अभी आपको सिर्फ ये या याद रखना है कि एयर पार्टिकल्स का जो मोशन था उसकी वजह से क्या होता है एक वेव बनेगी और वो वेव जो होगी उसे हम क्या कहेंगे मैकेनिकल वेव कहेंगे उसे हम क्या कह देंगे मैकेनिकल वेव कह देंगे चलिए नाउ एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल बिल्कुल सही है एयर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन मीडियम है जहां कहीं भी आप देखोगे पूरा एनवायरमेंट के अंदर सब जगह पे क्या है सिर्फ एयर ही एयर है और जितनी ज़्यादा एयर है उतना ही क्या हो रहा है वहां पर साउंड का प्रोपिगेशन हो रहा है तो एयर के अलावा ऐसा कोई मीडियम नहीं है साउंड का प्रोपिगेशन वैसे सारे मीडियम में होता है लेकिन स्टिल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा एयर के अंदर होगा तो उससे तो कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकते ना When a vibrating object मूव forward, it pushes and compresses the air in front of it। जैसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं एयर पार्टिकल्स जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है वो आगे की तरफ जाती है तो क्या होगा आगे के जो एयर पार्टिकल्स है आगे की जो एयर है वो सारी क्या हो जाएगी कंप्रेस हो जाएगी बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी वो जिसको कि हम कहेंगे रीजन ऑफ कंप्रेशन जहाँ पर रीजन ऑफ कंप्रेशन जहाँ पर प्रेशर क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड जैसे ही वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है बैकवर्ड में आ गया अब यहाँ बहुत सारे उसमें से बैकवर्ड में आ गया तो क्या हो गया वहां पर थोड़ा स्पेस बन गया लो प्रेशर है लो प्रेशर है मतलब रेयर फैक्शन है आई होप कि याद रहेगा कम्प्रेशन का मतलब क्या होता है जहां पर हम बात करेंगे कंप्रेशन की कंप्रेशन का मतलब ये होता है जहां पर होगा हाई प्रेशर कंप्रेशन का मतलब जहां पर होगा हाई प्रेशर उसे हम क्या देखते हैं कंप्रेशन एंड आई होप की आपको क्लियर हो गया है बेसिकली था क्या ये जो एयर पार्टिकल्स है जब ये मूव कर रहे हैं सपोज इन्होंने क्या किया यहाँ से यहाँ मूव किया टेढ़े मूव कर रहा है इन्होंने ये यहाँ टकराए अब क्या होगा ये इन पार्टिकल से टकराएंगे हो सकता है ये सारे पार्टिकल्स जो बिल्कुल पास पास ऐसे आ जाए तो ये भी हो सकता है ये इन पार्टिकल से टकरा गए टकराने से क्या हुआ इन्होंने अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर कर दी फिर ये कहाँ चले जाएंगे पीछे लेकिन जहाँ ये टकराए हैं वहाँ पर क्या होगा कंप्रेशन होगा वहाँ पर एकदम से जो एयर पार्टिकल्स है वो बढ़ जाएंगे इसी रीजन को हम क्या कह देते हैं कंप्रेशन कह देते हैं इसी रीजन को हम क्या है? कहते हैं कंप्रेशन कहते हैं अच्छा इसी का अपोजिट जा। आ जाओ जहाँ पर हम बात करेंगे लो प्रेशर की सेकेंड क्या होता है हमारा रेयर फैक्शन होता है वैसे सेकेंड होता है क्या रे़्वेक्षन? रेयर फैक्शन रेयर फैक्शन का मतलब होता है लो प्रेशर रेयर फैक्शन का मतलब क्या होता है लो प्रेशर यहाँ पर जो है प्रेशर कम हो जाएगा फाइन चलिए लो प्रेशर एरिया लो प्रेशर रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन कैसे बनेगा तो जब हमने कहा कि जो पार्टिकल्स थे ये बिल्कुल पास पास में आ गए थे और अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे थे ट्रांसफ़र कर रहे थे अब आफ्टर ट्रांसफरेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा ये जो पार्टिकल्स होंगे ये फिर पीछे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर सब फिर क्या हो गए दूर दूर हो गए जैसे ही सब दूर दूर हुए वैसे ही क्या हो जाएगा वैसे ही वहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और उसी लो प्रेशर एरिया को हम क्या कह देते हैं उसी लो प्रेशर एरिया को हम कह देते हैं रेयर फैक्शन ज़्यादा प्रेशर का एरिया है जहां पार्टिकल्स पास पास में आ गए हैं मतलब है कंप्रेशन लो प्रेशर का एरिया है जहां पार्टिकल्स अब दूर दूर है वहां पर क्या होता है रेयर फैक्शन होता है जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं और इसे हम कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं जैसा कि देखो यहाँ एक बार चेक कर लूँ यहाँ पर भी क्या है जब आप इनको वाइब्रेट करेंगे जब आप इनको थोड़ा सा हिला देंगे तो क्या होगा ये वाइब्रेशन करेंगे और उसकी वजह से कोई ना कोई साउंड ज़रूर प्रोड्यूस होगा वो साउंड किसको मिलेगा वो साउंड एनर्जी इस फर्स्ट एयर पार्टिकल को मिल जाएगी जो फर्स्ट सेट ऑफ़ एयर पार्टिकल है उसको मिलेगी फिर वही है यहाँ पे क्या होने वाला है वाइब्रेशन होगा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की वजह से ये सारे पार्टिकल्स क्या हो गए देखो पास पास में आ गए इसका मतलब यहाँ पर कौन सा एरिया है कंप्रेशन का एरिया है लेकिन जैसे ही फिर ये दूर दूर हो जाएंगे तो दूर दूर होते ही यहाँ पर कौन सा एरिया बन गया है रेयर फैक्शन एरिया बन गया जहां पर प्रेशर क्या है कम है यहाँ आपको नज़र आ ही रहा होगा इतने सारे लोग हैं तो प्रेशर तो ज़्यादा होता ही है वैसे ही जब इतने सारे एयर पार्टिकल्स है तो डेफिनेट सी बात है प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा फाइन चलिए नाउ कंप्रेशन इज़ द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड रेयर फैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर एज आई टोल्ड यू कि लो प्रेशर का है रेयर फैक्शन और कंप्रेशन है हाई प्रेशर का प्रेशर इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम अब प्रेशर प्रेशर हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि यहाँ पर है ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर है कम प्रेशर तो बेसिकली ये प्रेशर है क्या तो ये किससे डिफाइन होता है द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम एक पार्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर अगर पार्टिकल ज़्यादा है दैट मीन्स कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है अगर उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कम है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रेशर uh, जो होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर जहां पर प्रेशर ज़्यादा होता है वहां पर क्या होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ये तो आपको पता होना चाहिए हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था उस डेंसिटी के फार्मूले में क्या पढ़ा था देखो फिर से देख लेते एक बार डेंसिटी का फॉर्मूला जब पढ़ा था हमने कहा था मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसका मतलब है कि वन यूनिट वॉल्यूम में कितना मास हम कंटेन कर रहे हैं देखो वन यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं डेंसिटी अगर उसी वन यूनिट वॉल्यूम में सपोज ये वन यूनिट वॉल्यूम है एक यहाँ पर भी है एक वन यूनिट वॉल्यूम यहाँ जो पार्टिकल्स है ये यह यहाँ ऐसे है दूर दूर है यहाँ जो पार्टिकल्स है वो देखो बिल्कुल ही पास पास में है अब हम क्या कहेंगे डेंस कौन सा है ज़्यादा कौन किसके डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्वियस ओब्वियसली बात है वन यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास होगा ज़्यादा उसी की क्या होगी डेंसिटी ज़्यादा होगी जहां पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका मास भी ज़्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी है ज़्यादा और इसकी डेंसिटी है कम फाइन इसकी डेंसिटी कैसी है कम है लेकिन जहां पर होती है डेंसिटी ज़्यादा वहां पर हमने क्या कहा कि प्रेशर भी ज़्यादा होता है जहां पर डेंसिटी ज़्यादा होती है मतलब वहां पर क्या होगा प्रेशर भी ज़्यादा होगा कैसे होगा तो भाई जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहां पर देखा धक्ा मुखी बहुत ज़्यादा होती है जैसे ही आपने जाने की कोशिश करोगे वहाँ धक्ा मुक्की बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर बिल्कुल बहुत कम है लोग बिल्कुल भीड़ नहीं है ज़रा भी भीड़ नहीं है तो फिर क्या होगा आपको कोई सामान लाना है अगर अंदर की तरफ जाके आप बहुत ईजिली घूमते घूमते चले जाओगे इसका मतलब है कि डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या होगा ज़्यादा और यहाँ प्रेशर बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ कोई लोड नहीं है और आप आराम से जाकर आ सकते हैं अंदर इसका मतलब है यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया कम हो गया अब ये कौन सा कौन सा रीज़न है आई होप कि आपको पता है कौन सा रीज़न है ये है हमारा कंप्रेशन रीज़न ये कौन सा रीजन है हमारा कंप्रेशन रीजन है और ये है हमारा रेयर फ्रैक्शन ये कौन सा रीजन है हमारा रेयर फ्रैक्शन है कंप्रेशन में आपको याद रखना है कि डेंसिटी होती है ज्यादा प्रेशर भी क्या होता है ज्यादा होता है बिल्कुल पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं क्यों आ जाते हैं तो उनके टू एंड फ्रो मोशन में जब वो पार्टिकल आगे की तरफ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए तब जो रीजन बनता है वो होता है कंप्रेशन सेकेंड रीज़न हमारा होता है रियर फ्रैक्शन जहाँ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं जहाँ पर डेंसिटी होती है कम और प्रेशर भी होता है कम जितनी डेंसिटी कम होगी उतना ही क्या होगा प्रेशर भी कम हो जाएगा आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि हमारे ईयर uh, तक साउंड का प्रोपिगेशन कैसे होता है और उनके अंदर कौन कौन से रीज़न बनते हैं क्यों हमें पास में आने पर साउंड सुनाई देता है लेकिन दूर आने पर साउंड नहीं सुनाई देता ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है चलिए नाउ एक और चीज़ आपको बताती हूँ जैसे कि हमने अभी कहा था प्रेशर और देखो डेंसिटी का हमने क्या कहा था जहां डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है मतलब कंप्रेशन भी ज़्यादा है फाइन तो ये जो है ये क्या बता रहा है ये आपको ये डेंसिटी का वेरिएशन भी बता रहा है ये आपको प्रेशर का वेरिएशन भी बता रहा है और यही चीज़ें हैं आपको क्या बता रही है कंप्रेशन और आपका जो रेयर फ्रैक्शन रीजन है कंप्रेशन रीजन और रेयर फ्रैक्शन रीजन ये भी चीज़ें कौन बता रहा है ये दोनों बता रहे हैं आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है यहाँ पे स्पीकर स्पीकर ने बोला तो देखो सी और आर क्या डिनोट कर रहे हैं कंप्रेशन रीजन और रेयर फ्रैक्शन रीजन यहाँ पर देखो प्रेशर का वेरिएशन है बिल्कुल है प्रेशर का वेरिएशन डेंसिटीज का वेरिएशन है बिल्कुल है डेंसिटीज का वेरिएशन चलिए इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं नाउ अब आ जाइए साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल अब इतनी देर से जो हम बोल रहे थे कि साउंड किसकी वजह से ट्रैवल कर गया एयर पार्टिकल की वजह से ट्रैवल कर गया तो क्या और भी कोई मीडियम हो सकता है अगर एयर नहीं हो तब क्या होगा भाई साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है एक पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और अगर उसके पास वो पर्टिकुलर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता अगर हम बात करें हम एयर को वहाँ से हटा देते हैं जहाँ पर हमने एयर की बात की थी कि एयर की वजह से क्या हो रहा है साउंड जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है अगर मैं एयर को हटा दूँ तब क्या होगा सोचने वाली बात है ना बिल्कुल सही है तो साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है बिना मीडियम के साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते अब ऐसा क्यों तो इसके लिए हमारे पास है एक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट क्या है तो वो एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने क्या किया है एक पूरा का पूरा एक सेटअप किया है एक सेटअप जहाँ पर हम ये चेक करने वाले हैं कि किसी भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है और अगर है तो क्यों है कैसे है चलिए सो so, यहाँ देखिए क्या है ये यह? यहाँ पर एक रखा हुआ है जार उस जार पर नीचे की तरफ हमने एक होल किया है और होल करके वहां पर लगा दिया एक वैक्यूम पंप जार है एक जार के नीचे एक होल किया और एक वैक्यूम पंप लगा दिया सो देट कि हम वहां से सारी हवा को खींच सके और उसे वैक्यूम में कन्वर्ट कर सके तो अभी जस्ट हमने उसको प्लेस किया है वैक्यूम पंप को यहाँ ऊपर क्या लगा है ऊपर लगा है एक कॉर्क कॉर्क के बीच में से क्या निकला है कॉर्क के बीच में से निकला है इलेक्ट्रिक वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स क्यों है तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पर क्या लगी है इलेक्ट्रिक बेल लगी है हमने इलेक्ट्रॉनिक बेल जो आती है जो हमारे घर के अंदर नहीं सुनाई देता तो जो हमारे घर के अंदर नहीं लगी होती है बाहर कोई अगर बेल के लिए स्विच ऑन करेगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा हमें अंदर आवाज़ सुनाई देगी हमारी बेल की तो बस वही बेल को हमने क्या कर दिया यहाँ प्ले प्लेस किया है यहाँ प्लेस करके जो वायर है उसको कॉर्क के अंदर से निकाल के इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कर दिया ठीक है और यहाँ पर क्या करा यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया अब होगा क्या अब करना ये है कि यहाँ पर जब ये बेल बजेगी जो बेल इसके अंदर प्रेजेंट है जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और बेल बजी तो हमें क्या सुनाई दिया साउंड सुनाई दिया बिल्कुल सही है उस बेल को जैसे ही आप बजा दोगे तो आपको साउंड सुनाई देगा सही है लेकिन अब हम क्या करें अब हम एक काम करते हैं कि जो हमने वैक्यूम पंप लगाया ना उसका भी यूज़ कर लेते हैं मतलब कि हम बेल का तो यूज़ कर ही रहे थे जो ऊपर की ओर बेल लगाई थी हमने उसका तो यूज़ हम कर ही रहे हैं उसको बजा के हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमें उसका साउंड सुनाई देता है या नहीं देता लेकिन अब हम क्या करें अब हम एक काम करते हैं जो वैक्यूम पंप है उसका यूज़ करते हैं और सारी एयर को उसमें से रिमूव कर देते हैं जैसे जैसे हम इसमें से एयर को रिमूव करेंगे वैसे वैसे जो उस बेल का साउंड है वो धीरे 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 हमारे लिए क्या होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा थोड़ा 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 जैसे जैसे वो एयर निकलेगी वहां से एयर उस वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर आ जाएगी तो क्या होगा यहाँ जो बेल की आवाज़ थी वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी और जैसे ही पूरी एयर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया इस पूरी एयर को हमने इस जार में से हटा दिया है अभी यहाँ पर क्या है वैक्यूम है वैक्यूम का मतलब कोई एयर नहीं है कुछ पार्टिकल्स नहीं है वहां पर तब क्या होगा अब भले ये बेल बजे लेकिन हमें सुनाई कुछ नहीं देने वाला है सी जब यहाँ पर एयर थी तो हमें सुनाई दिया बट जैसे ही हमने वहां से एयर को रिमूव कर दिया हमें बेल की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी इसका मतलब है कि साउंड को एक्चुअली एक मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए अब यह साउंड यहाँ पर भी था कान तक पहुंच गया साउंड वहां पर भी था लेकिन उसको कानों तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था ऐसा कोई नहीं था कि जो उसकी एनर्जी को वापस वहां से लेकर आए और हमें दे दे इसीलिए हमें साउंड सुनाई नहीं दिया इसी एक्सपेरिमेंट से हम क्या कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कह सकते हैं कि साउंड जो है उसको हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए वो वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं करती है साउंड कभी भी आपको वैक्यूम में सुनाई नहीं देगा इसका मतलब है अगर आप यूनिवर्स में चले जाओ ऊपर चले जाओ तो स्पेस में क्या होगा स्पेस के अंदर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा बिकॉज़ वहां तो क्या है वैक्यूम है एयर है ही नहीं और जब एयर ही नहीं है तो वह आपको कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है अगर अर्थ के ऊपर भी एयर नहीं होती तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते लेकिन ऐसा नहीं होता है अर्थ के ऊपर एयर है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए और भी मीडियम है कौन कौन से मीडियम है तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम चलेगा मतलब इसके नखरे नहीं है ज़्यादा नखरे नहीं है कि मुझे पिंक वाला चाहिए या ब्लू वाला चाहिए बिल्कुल नहीं है सॉलिड है लिक्विड है या गैस है तीनों ही मीडियम के अंदर साउंड बहुत ईजिली ट्रैवल कर लेता है कैसे कर लेता है देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके हमने क्या किया एक टेबल के ऊपर ना हमें हेड डाउन करना है टेबल के ऊपर इस तरह से हेड डाउन करना है कि हमारा जो ईयर है वो टेबल के ऊपर लगे अब क्या होगा एक फ्रेंड क्या करेगा टेबल के दूसरे कॉर्नर्स पर थोड़ा सा टैप टैप करेगा या किसी चीज़ से मारेगा जैसे ही उसे किसी चीज़ से मारा तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई दी जाएगी बिल्कुल सही बात है ये तो, तो यहाँ पर होता ही है ऐसे ये भी नहीं तो बचपन में एक फ़ोन तो फ़ोन फोन तो खेला ही होगा टेलीफोन बनाया जाता है ना जिसके बीच में क्या लगा होता है एक वायर लगा होता है दो फोन बनाए जाते हैं दो कप लिए जाते हैं कप से टेलीफोन बनाए जाते हैं मतलब एक बच्चा इस तरफ से सुन रहा होता है एक बच्चा इस तरफ से सुन रहा होता है बीच के अंदर क्या लगा होता है वायर लगा होता है यहाँ से कोई कुछ बोलेगा तो यहाँ पर उस पर्सन को सुनाई दे जाएगा ये तो बचपन में खेला ही होगा इसका मतलब है कि साउंड जो है वो सॉलिड में से ट्रैवल कर जाता है बिकॉज़ ये टेबल क्या थी सॉलिड थी ये वायर क्या है अभी सॉलिड है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड है वो सॉलिड में से तो ट्रैवल कर सकता है और सॉलिड पार्टिकल में से जल्दी ट्रैवल करेगा क्यों करेगा बिकॉज उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं यहाँ आ जाओ लिक्विड पे क्या साउंड लिक्विड में भी ट्रैवल करता है तो चलो एक काम करते हैं एक बकेट लेते हैं बकेट के अंदर पानी भर लेते हैं हम उस बकेट के अंदर पानी भरने के बाद आपको क्या करना है एक बेल लेनी है जो हमारे घर के अंदर जो मंदिर में जो घंटी मिलती है हमें वो घंटी उठानी है वहाँ से और उसको पानी के अंदर डालना है अपने हाथ से हाथ में घंटी लेके उसको पानी के अंदर डालना है और वहां उस पानी के अंदर उसको बजा के देखना है जैसे ही आप उसको पानी के अंदर बजाते हो क्या आपको कुछ सुनाई देता है बिल्कुल देता है हमें तो उस घंटी की आवाज़ बहुत इजीली सुनाई दी जाती है चलो ये भी छोड़ो हम एक काम करते हैं उस बकेट के अंदर कॉइन डाल के देखते हैं जैसे ही आप उस बकेट के अंदर कॉइन डाल देते हो क्या होता है आवाज़ आती है बिल्कुल आती है वो कॉइन जब नीचे चला जाता है उससे पहले उस पानी के अंदर जाने की उसमें आवाज़ आती है इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर भी आवाज़ ट्रैवल करती है मतलब साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रैवल कर जाते हैं यहाँ देख लो डॉल्फिन जो होती है वो लिक्विड में ही रहती है पानी में ही रहती है बाहर तो आती नहीं है ये भी एक दूसरे से बातें करती है और अगर ये बातें करती है मतलब इनका कोई ना कोई साउंड ज़रूर होगा वो साउंड इनको पानी के अंदर भी सुनाई दे जाता है ऐसा नहीं है कि बात करनी है तो बाहर आके करेंगे बिल्कुल नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है पानी के अंदर ही ये बातें करती है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड है वो सॉलिड में भी ट्रैवल करता है साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रैवल करता है और एयर का तो हमें पता ही है गैसियस स्टेट में अगर हम एयर की बात करें तो सारे ही साउंड जो है वो मोस्ट ऑफ़ द साउंड एयर की वजह से ही ट्रैवल कर पाते हैं मोस्टली जो साउंड होते हैं वो एयर की वजह से ही ट्रैवल कर पाते हैं अगर एयर नहीं होती है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता हमें मोस्ट ऑफ द साउंड जो है वो 99 परसेंट साउंड तो फिर हमें सुनाई नहीं देगा अगर हमारे अर्थ में से एयर को निकाल लिया जाए ना अगर हमने हमारी अर्थ में से एयर को रिमूव कर दिया है तब क्या होगा हमें 99 परसेंट साउंड तो सुनाई ही नहीं देगा कुछ वन परसेंट साउंड में भी हो सकता है सुनाई दे जाए अदरवाइज तो हमें कोई साउंड सुनाई वहाँ पर नहीं देने वाला है आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर है कि जो साउंड है उसको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए फाइन चलिए अब एक और नई चीज़ देखते हैं एक और नई चीज़ क्या है कि साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्गीट्यूडनल वेव्स होती है आर लॉन्गी वेव्स देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स अभी हमने क्या कहा जब हमने प्रोपिगेशन ऑफ साउंड पढ़ा था अभी तब हम क्या कह रहे थे कि साउंड जैसे जैसे ट्रेवल करता है वैसे वैसे हम क्या कह देते हैं उसको कि जिस तरह से एनर्जी ट्रेवल हो रही है दैट मीन्स कि वो वेव स्ट्रक्चर है तो साउंड वेव ट्रैवल कर रही है साउंड वेव अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरा जो मेरी जो साउंड है वो साउंड वेव की फॉर्म में आपके तक पहुँच रही है तो मतलब ये क्या हो गया साउंड वेव से अब ये साउंड वेव कौन सी होती है लॉन्गीट्यूडनल वेव होती है तो यहाँ पर देखो टू टाइप्स ऑफ वेव होती है वेव जो होती है वो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स फर्स्ट होता है हमारा लॉन्गीट्यूडनल वेव फर्स्ट क्या होती है हमारी लॉन्गीट्यूडनल वेव सेकेंड जो होता है वो होती है ट्रांसवर्स वेव सेकेंड वेव कौन सी होती है सेकेंड वेव होती है ट्रांसवर्स वेव इन दोनों के बारे में आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी वेव ट्रांसवर्स वेव है और कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव भूलना बिल्कुल नहीं है लॉन्गिट्यूडनल है और ट्रांसवर्स है so, चलिए फर्स्ट हो गई हमारी और ये हो गई हमारी सेकेंड वेव पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी लॉन्गीट्यूडनल वेव को बिकॉज साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गीट्यूडनल वेव ही होती है अब ऐसे नहीं बोल रहे मैम लॉन्गीट्यूडनल है मतलब लॉन्ग वेव होगी बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर होता क्या है जब हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की जो पार्टिकल्स जो मोशन में होते हैं जो भी पार्टिकल्स मोशन में होते हैं वो पार्टिकल्स और जो पार्टिकल्स है अगर वो मोशन में है और जो जो हमारा एनर्जी मूवमेंट हो रहा है अगर ये दोनों जो एनर्जी मूवमेंट हो रही है वो दोनों ही अगर पैरेलल में हो अगर दोनों ही कैसे हो पैरेलल में हो तब क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा देखो यहाँ देखो एक बार क्या बोल रहे हैं रीजन uh, हमें पता है इसको हम बाद में देखेंगे रीजन जो होते हैं वो कंप्रेशन रीजन है रेयर फैक्शन है ये हमने पढ़ लिया था कंप्रेशन का मतलब भी हमें पता है रेयर फैक्शन का मतलब भी हमें पता है अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है तो इन दीज वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस कैसे हुआ ये तो देखो हम एक काम करते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट तो वैसे भी हमें थियोरटिकल पार्ट तो देखना ही नहीं है क्योंकि फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है देखो हमने क्या किया एक है इस लिंक को खींच दिया पूरा फाइन मैंने क्या बोला uh, दोनों तरफ से सिर्फ मैंने नहीं खींचा मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि एक तरफ से मैं खींचती हूँ दूसरी तरफ से आप खींच लो मतलब ये स्लिंग जो है जिसको हम बेसिकली स्प्रिंग बोल सकते हैं उसको क्या किया मेरी एक फ्रेंड है मैंने उसको बोला कि इसको आप खींच दो एक तरफ से मैंने खींचा अब मैं क्या करूँगी मैंने जिस तरफ से खींचा हुआ मैं उसको हल्का सा टैप कर देती हूँ हल्का सा मैं उसको छोड़ देती हूँ फिर वापस खींच लेती हूँ फिर हल्का सा छोड़ती हूँ फिर खींचती हूँ फिर हल्का छोड़ा फिर खींचा इसका मतलब क्या हो गया मैं क्या कर रही हूँ एक अंदर की तरफ उसको प्रेशर दे रही हूँ उसकी वजह से क्या हो जाएगा उसकी वजह से ये इस तरह से मूव करने लग जाएंगे और क्या होगा ये वाइब्रेट करने लगेगा जो स्लिंग है ये वाइब्रेट करने लगेगा और उस वाइब्रेशन की वजह से आएगी आवाज़ अब क्या होता है यहाँ ये इस तरह के रीजन बन गए अब हमने क्या कहा कि जहां पर ये कंप्रेस्ड है जहां पर ये बिल्कुल पास पास में है डेंस है वहां पर कौन सा रीजन होता है यहाँ होता है कंप्रेशन रीजन जहां पर ये बिल्कुल दूर दूर है डिस्टेंस में है डेंसिटी भी कम है इनकी इसका मतलब क्या हो जाएगा रेयर फैक्शन होगा फिर यहाँ पर क्या हो गया कंप्रेशन रीजन हुआ यहाँ रेयर फैक्शन रीजन हुआ यहाँ फिर कंप्रेशन रेयर फैक्शन और कंप्रेशन फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमें ये चेक करना है कि ये वेव किस तरह से मूव कर रही है हमने कहा कि जो डिस्टर्बेंस हुआ था मतलब अगर मैं बोल रही थी कि फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल में हुआ है सपोज हम जब जब हम साउंड के प्रोपिगेशन की बात कर रहे थे तो उस साउंड प्रॉपिगेशन में क्या हो रहा था जो साउंड वेव है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी बिकॉज हमारा साउंड जनरेटर है यहाँ हमारा साउंड जनरेटर जो है वो यहाँ है साउंड जनरेटर यहाँ है इस तरफ और हमारा जो लिसनर है वो लिसनर है इस तरफ इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है कि हमारा जो जो साउंड वेव है वो साउंड वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है या जो डिस्टर्बेंस है एयर पार्टिकल के वो भी तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे भाई फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल था उसमें से क्या हो रहा था सेकेंड सेट ऑफ पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी सेकेंड सेट ऑफ पार्टिकल से थर्ड सेट ऑफ पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी जो वेव चल रही थी जो डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र हो रहा था वो किस डायरेक्शन में हो रहा था वो इस डायरेक्शन में हो रहा था फाइन यहाँ से इस तरफ मूव हो रहा था मतलब हमने क्या कहा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब एक और चीज़ कि जो हमारे पार्टिकल्स मूव कर रहे थे जो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा था वो पार्टिकल का मोशन कैसा था टू एंड फ्रो मोशन था ऊपर नीचे नहीं था अप डाउन नहीं था लेफ्ट राइट था लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे मूवमेंट था यहाँ देखो पार्टिकल का मोशन भी कैसा था इस डायरेक्शन ऐसे था इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है कि पार्टिकल का मोशन भी देखो यहाँ है कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है फाइन जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है क्या ये दोनों पैरेलल में है बिल्कुल है अगर मैं इस एरो को भी यहाँ बना दूँ तो आप क्या कहेंगे बिल्कुल ये तो पैरल है अब चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए बात तो एक ही है ना है तो पैरल ही बिकॉज जो मोशन हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है जो डिस्टर्बेंस हो रहा है जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जो वेव जा रही है किस तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है वो या तो इस डायरेक्शन में हो रहा है या इस डायरेक्शन में हो रहा है बट हो तो पैरल रहा है इसका मतलब है कि जब भी किसी डिस्टर्बेंस का या वेव का जो वेव का जो मोशन है वो और जो पार्टिकल का मोशन है जब वो दोनों पैरल आ जाते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो वेव कौन सी होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी जो कि हमारी साउंड वेव है आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है तो यहाँ पर भी देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर जो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है ये देखो इनका मूवमेंट भी कैसा था यहाँ पर ऐसा था इसका मतलब क्या हुआ इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में है और क्या है और जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो भी क्या है इस डायरेक्शन में हो रही है इसका मतलब दोनों ही क्या है पैरेलल है तो इस लिंक के अंदर भी क्या हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही है वैसे ही हमारी साउंड वेव में भी क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव ही बनती है तो वही है साउंड वेव्स हमारी क्या होती है लॉन्गीट्यूडनल वेव्स होती है आई होप कि अब आपको क्लियर है कि हमारी साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गीट्यूडनल वेव क्यों होती है चलिए अब हम बात करते हैं आगे आगे बढ़ते हैं इसमें देखो क्या था उस लिंक के बारे में बताया गया कि इस लिंक के कौन सा रीजन जो कंप्रेशन रीजन है एक रीजन है जो रेयर फैक्शन है जिसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है वो रेयर फैक्शन है पास पास है तो कंप्रेशन है यहाँ इन वेव्स को हम क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं इसका मतलब क्या होता है इस लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये है देखो याद रखना बहुत जरूरी है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है तो इन दीज वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स को याद रखना है कि भाई एयर के जो पार्टिकल्स थे आपको ये याद रखना एयर के जो पार्टिकल्स थे वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एयर पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो डिस्टर्बेंस हो रहा है जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है अगर ये दोनों ही पैरल आ जाते हैं अगर ये दोनों ही कैसे आते हैं पैरल आ जाते हैं इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि जो वेव होगी वो कौन सी होगी वो होगी लोंगी ट्यूडनल वेव वो कौन सी वेव होगी लौंगी ट्यूडनल वेव जैसे कि हमारी साउंड वेव होती है आई होप कि चीज़ क्लियर है और आपको अब याद भी इजीली रहेगा इतने बड़े कॉन्सेप्ट से बेटर है ना सिर्फ दो वर्ड याद करने की एयर पार्टिकल का मूवमेंट और एनर्जी ट्रांसफर पैरेलल है दैट मीन्स लॉन्गी है सिंपल है चलिए अब आगे बढ़ते हैं द पार्टिकल्स डो नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another. हाँ ये आपको याद जरूर रखना है जैसे हमारी साउंड वेव्स के अंदर था पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते हैं साउंड को देने के लिए कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ उसको मैं साउंड पहुँचा के आता हूँ ऐसा नहीं होता तो पार्टिकल्स कभी अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं दे जस्ट ऑसिलेट एंड बैक टू द बैक टू देअर पोजिशन दे जस्ट ऑसीलेट या फिर हम बोल सकते हैं वाइब्रेट एंड बैक टू देअर पोजिशन अपनी रेस्ट कंडीशन में फिर से आ जाते हैं दिस इज एक्जैक्टली हाउ अ साउंड फाइन तो साउंड वेव्स क्या होती है लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती है नाउ कम टू दी ट्रांसवर्स वेव्स ट्रांसवर्स वेव कौन सी होगी तो ट्रांसवर्स वेव में देखो इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव बट ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजिशन एज द वेव वे अब इस कॉन्सेप्ट से तो कुछ समझ में आया नहीं इतनी सारी लाइनें हमने पढ़ दी एक साथ में पढ़ दी मैडम इतनी बड़ी लाइन है कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक काम करो ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए एक पत्थर लो और नदी किनारे जाओ पहले और उस पत्थर को उस नदी के अंदर फेंक दो जैसे ही हम पत्थर को उस नदी के अंदर फेंक देंगे तो क्या होगा लहरे बनना शुरू हो जाती है। कि पॉइंट कि जैसे ही हमने उस पत्थर को फेंका तो क्या होगा उसमें लहरें बनती है और वो जो लहरें होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव वो लहरें क्या होती है ट्रांसवर्स वेव होती है क्यों होती है देखो इन अ ट्रांसफेज वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन जिस तरफ वेव मूव करेगी उस डायरेक्शन में कभी भी पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करेंगे हमने उसमें क्या कहा था लॉन्गिट्यूडनल में कि एयर पार्टिकल की बात करनी है हमें और किसकी बात करनी है ओके okay, एयर को छोड़ो हम जस्ट पार्टिकल की बात कर लेते हैं पार्टिकल्स की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे वेव की फाइन तो वेव या फिर एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र या फिर हम बोल देते हैं वेव एनर्जी ट्रांसफर बोल देते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं या हम कह सकते हैं वेव की डायरेक्शन ठीक है इन दोनों को ही चेक करना था अगर ये दोनों पैरेलल आते हैं इसका मतलब क्या होता है कि वेव कौन सी है लॉन्गीट्यूडनल है लेकिन अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये दोनों पैरेलल नहीं है पैरेलल नहीं है तो क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होगी और लॉन्गिट्यूडनल नहीं है तो ट्रांसफर्स वेव होगी कैसे हुई तो अब ये अगर ऑसिलेट कर तो नहीं होंगे बिल्कुल सही बात है पार्टिकल्स ऑसिलेट तो कर ही रहे वेव तो चलो हमें पता है कि वो या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी या इस डायरेक्शन में मूव करेगी लेकिन जो पार्टिकल्स है वो तो ऑसिलेट कर रहे होंगे वाइब्रेट भी कर रहे होंगे अब वो वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन पार्टिकल्स जो होते हैं ये वाइब्रेट कैसे करते हैं ऑसिलेट कैसे करते हैं अप एंड डाउन करते हैं अप एंड डाउन मोशन होगा मतलब कि वेव जा रही है इस डायरेक्शन में आपकी जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है एनर्जी ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन क्या हुआ यहाँ पर जो पार्टिकल्स uh, ऑसिलेट करेंगे पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से मूव करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है देखो ये कैसे हो रहा है पैरेलल तो नहीं हो रहा है अगर इस तरह होता तो पैरेलल होता लेकिन ये कैसा हो रहा है ये परपेंडिकुलर है ये कैसा है परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि जो एयर जो पार्टिकल्स मूव पार्टिकल का मूवमेंट और जो वेव का मूवमेंट है जब दोनों ही परपेंडिकुलर हो जाते हैं इसका मतलब क्या होगा कि वो कौन सी वेव होगी ट्रांसवर्स वेव होगी देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी वेव का ले लेते हैं चलो यहीं से देख लेते हैं ये वेव है हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये हमारी क्या है वेव है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन जो पार्टिकल्स है जो ऑसिलेट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे हैं ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे ये पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है जो कि है परपेंडिकुलर टू द वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स है वो ऑसिलेट करेंगे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन दैट मीन्स कि ये पैरल नहीं है पैरल नहीं है तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सी वेव है इसका मतलब है कि ये हमारी है ट्रांसवर्स वेव आई होप ये क्लियर हो गया होगा हो कि ट्रांसवर्स वेव बेसिकली होती क्या है और अगर नहीं याद रहे तो हमें जस्ट पानी को याद रखना है कि जैसे हमने पत्थर को फेंका तो वहां पर क्या होगा वेव तो जा रही है इस डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन जो पानी खुद है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रहा है फाइन आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है चलिए नाउ दोनों में एक बार डिफरेंस फिर देख लेते हैं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव बेसिकली होती क्या है और बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज़ नहीं होना है चलिए सो एक म्यूजिक सिस्टम है हमारा इसमें कौन सी वेव होती है साउंड वेव होती है किस डायरेक्शन में मूव करेंगे देखो इसके पार्टिकल्स भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या तो आगे जाएंगे पीछे जाएंगे वेव किस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में है इसका मतलब क्या हो गया दोनों ही कैसे है पैरेलल है देखो हम दो चीजों की बात कर रहे हैं एक हम बात कर रहे हैं किसकी पार्टिकल्स की एक हम बात किसकी कर रहे हैं एक हम कर रहे हैं हमारी एनर्जी की एनर्जी ट्रांसफर की या फिर वेव की बात कर रहे हैं ये दो पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है आपकी लॉन्गीट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव इफ इट इज़ पैरल अगर ये पैरल है तब तो क्या हो जाएगा लॉन्गीट्यूडनल वेव होगी अगर ये दोनों है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कब होगा जब पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मूव करने लग जाएंगे जब पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मूव करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका मतलब ये कौन सी वेव हो जाएगी ट्रांसवर्स वेव हो जाएगी तो जो टीवी की जो टेलीविज़न uh, जो है टेलीविज़न या टीवी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो लाइट होती है लाइट कौन सी वेव होती है लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है अगर साउंड की बात करेंगे तो साउंड क्या होगा जो साउंड की अगर हम बात करेंगे तो वो साउंड वेव क्या होगी लॉन्गीट्यूडनल वेव होगी बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइट वो कौन सी वेव होगी ये होगी आपकी ट्रांसवर्स वेव तो हमने आज अच्छा क्या क्या पढ़ा है देखो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की कंफ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है हमने सबसे पहले क्या पढ़ा प्रॉपिकेशन ऑफ लाइट पढ़ा कि प्रोपिकेशन ऑफ़ साउंड सॉरी प्रोपिकेशन ऑफ लाइट नहीं प्रोपिकेशन ऑफ साउंड पढ़ा हमने साउंड का प्रॉपिकेशन कैसे होता है किस तरह से हमारी आवाज़ जो है एक दूसरे तक पहुंच जाती है सारी चीज़ों की आवाज़ हमारे तक पहुंच जाती है तो वो पहुंचती है इस तरह के मूवमेंट की वजह से एयर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से हर एक एयर पार्टिकल क्या करता है काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एयर पार्टिकल खुद अपनी जगह से नहीं हिलेगा ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि एयर पार्टिकल जो है अपनी जगह से खुद उठ के कहीं और नहीं जाएगा हमेशा क्या होगा हमेशा वो जो एयर पार्टिकल है वो जस्ट टू एंड मोशन करेगा ऑसिलेट होगा और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा उसी के साथ साथ में दो रीज़न बनाएगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कंप्रेशन का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा जहाँ पर सारे पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे एनर्जी का ट्रांसफ़र करने के लिए रेयर फैक्शन का मतलब क्या होगा जहां पर डेंसिटी होगी कम पार्टिकल्स होंगे दूर दूर प्रेशर हो जाएगा कम और वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है अब वो क्या कर रहे हैं फिर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं फाइन इसके बाद हमने देखा कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द वैक्यूम वहां पर साउंड वेव ट्रैवल कभी नहीं करेगी हमेशा साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड लिक्विड या गैस कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही है

वो आपने क्लियर कर लिया है अब तो आपके लिए सारी चीज़ें ना बहुत ईजी ईजी सी हो जाएगी अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इस साउंड वेव के कैरेक्टर्स मतलब तो वेव होती क्या है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये जो अप एंड डाउन हमें दिखाए गए थे इनका मतलब क्या है कौन सी चीज़ का मतलब क्या होता है अप का मतलब क्या है डाउन का मतलब क्या है एक अप एंड डाउन का मतलब क्या होगा ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच